नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। क्रिकेट की दीवानगी देश में किसी से छिपी नहीं है। क्रिकेट को लेकर के देश भर में जुनून है और इसे देखते हुए अब गांव स्तर तक अनेक आकर्षक भव्य आयोजन होने लगे हैं। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड अंतर्गत बिरहारा गांव में हो रहा है। छावनी स्टार क्रिकेट क्लब के बैनर तले पिछले 21 वर्षों से हर साल एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, क्रिकेट टूर्नामेंट का। इस साल इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही थी, जिसका फाइनल मुकाबला खेला गया 15 जनवरी को। जनवरी के पहले सप्ताह से ही टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई थी। 15 जनवरी को फाइनल मुकाबला हुआ हसपुरा और रघुनाथपुर की टीमों के बीच, जिसमें हसपुरा की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए कुल 213 रन बनाए। जवाब में रघुनाथपुर की पूरी टीम 152 रन ही बना सकी। इस तरह से हसपुरा ने ये खिताबी मुकाबला 62 रनों से जीत लिया। मुकाबले के बाद अंकित को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने 29 रन बनाए और 5 विकेट भी लिए। वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने फरहान। फरहान ने कुल 88 रन बनाए और 8 विकेट लिए थे। तो ये फाइनल मुकाबला था। आपको बता दें कि बिरहारा में छावनी स्टार क्रिकेट क्लब ये आयोजन पिछले 21 वर्षों से कर रहा है। इसके अध्यक्ष हैं पिंकू पासवान, सचिव हैं रंजीत मौर्य, कोषाध्यक्ष हैं कमरुद्दीन। इसके अलावा इस आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही है विजेंत मौर्य, विजेंद्र मौर्य, संतोष यादव, जिलाजीत पासवान, दिलीप चौधरी, सन्नी भारती, शशि भूषण, अमरजीत मौर्य, रणधीर यादव, लालू यादव, सुड्डू गुड्डू, विकास पासवान माही और नवल। जीतने के लिए 214 रन चाहिए। फील्डिंग की बात की जाए, सजावट की बात की जाए, तो विकेट कीपर के अलावा एक सीट है, एक गली है, पॉइंट है, विदाउट है, विदाउन है। इसी बीच अच्छी हल्के हाथों से सफल किया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद रचात्मक रन से खेल रहे, लेकिन एक अच्छा रन गति से बनाना होगा, मेंटेन करना होगा। यहाँ पे एक दो ओवर अगर 3-4 के निकल गए तो काफी औसत बन जाएगी, क्योंकि इतने रन बनाने हैं उसे ही ध्यान रखना होगा। दर्शकों को मैच अगर जीतना है तो औसत को भी चलाता हुआ रहना होगा। इरफान एक छक्का लगाया है,
सीच और सबसे बाहर में वाइड बॉल चला जाए सीच जो डाउन मच गेट और लाइन वही में पसंद से काफी सीच और लगातार वाइड गेट इस क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में हजारों दर्शकों के साथ स्थानीय मुखिया राजकुमार छोटू, स्थानीय पैक्स अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार और समाज सेवी अखलाक सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। खिताबी मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय मुखिया यानी ग्राम पंचायत पुरहारा के मुखिया राजकुमार उर्फ छोटू ने इस आयोजन के बारे में हमें जानकारी दी। सुनिए राजकुमार उर्फ छोटू को जो कि स्थानीय मुखिया हैं। आज थल सेना दिवस के अवसर पर ये हमारे पंचायत में जो कार्यक्रम गिरहारा में कराया जाता है, विगत 21 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है और कुछ समय पहले हम लोग भी इसे छावनी क्रिकेट क्लब का मेंबर्स हुआ करते थे और चूंकि हम अब आज के दौर में जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग जो है ये कार्यक्रम लगातार 21 वर्षों से कराते आ रहे हैं और इसमें दो तरह की बात आती है। हम लोग भी सोचते हैं कि सेना दिवस के शुभ अवसर पर जो शहीद हमारे सीमा पर होते हैं या तो अभी प्रहरी के रूप में हैं उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अब हम लोग के बीच नहीं है और इसी की याद में भी ये थल सेना दिवस के अवसर पर हम लोग ये क्रिकेट का आयोजन हर एक वर्ष करते हैं और इससे एक फायदा है कि हमारे पंचायत में जो भी देखते हैं कि अगल बगल के टीम जो है बच्चे जो है बहुत अच्छे खेलते भी हैं और उनको एक स्टेज मंच नहीं मिल पाता है और इससे हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि इनको यहाँ से अच्छे अगर वो खेलते हैं तो हम लोग इसका उनको ले करके अपने जिले में और जिला से राज्य में उनको भेजने का भी काम करने के लिए हम लोग ये जो छावनी क्रिकेट क्लब संघर्षशील है और ये हम लोग इसी के उपलक्ष्य में ये काम करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।